हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। क्यूआ पोर्टल में एक नया अपडेट किया गया है। क्यूआ पोर्टल से अब ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया जा सकता है। मुझे लगता है ये नया अपडेट से बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफर के, वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा कि वो कौन कौन से इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं इस ऑनलाइन या फिर डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन से सॉल्व हो सकता है और हम ऑनलाइन कैसे अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देना चाहता हूँ। सऊदी अरेबिया में जब भी किसी को जॉब मिलता है, जब वो सऊदी अरेबिया के अंदर होता है और जॉब मिलता है उसको, तो उसके पास दो ऑप्शन होता है नया कंपनी ज्वाइन करने का। पहला ऑप्शन मान के ये चलिए कि उसके वो वापस अपने देश चले जाएगा और वहाँ से नए वीजा में नई कंपनी में आके ज्वाइन कर लेगा, वो एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि इंटरनली एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर किसी को नया कंपनी में जॉब मिला है तो वो अपना जो नया कंपनी है उसको क्यूआ में रिक्वेस्ट भेजता है और दो कंडीशंस उसमें भी रहते हैं कि अगर आप कुछ सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आते हैं तो वो पुरानी कंपनी के पास अप्रूवल के लिए नहीं जाएगा और ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा, नहीं तो वो पुराने कंपनी के पास जाएगा, पुरानी कंपनी उसको एक्सेप्ट करेगा या फिर अपने पास रखेगा 14 दिन तक, इसके बाद ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, इसका ट्रांसफर नहीं होगा, बहुत सारे ऐसे चक्कर चलते रहते हैं, वो दूसरे ऑप्शन। ओके, तो मैं जो आपको प्रॉब्लम्स की बात कर रहा था ये दूसरा ऑप्शन में ही सारा कुछ है। अब क्यूआ में जो मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन करने का ऑप्शन आ गया है, उससे ये जो दूसरा ऑप्शन है जिसमें कंपनी के पास में जो आपके पुराने कंपनी है उसके पास में रिक्वेस्ट जाता था, वो उसको एक्सेप्ट करता था, नहीं करता था, अपने पास ही पेंडिंग रखा रहता था और 14 दिन बाद कैंसिल हो जाता था, वो सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। ओके, तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफर में कि कंपनी आपको ट्रांसफर नहीं देता है। ओके, बहुत सारे गोल गोल घुमाते रहते हैं। तो इसमें आप कैसे अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं ऑनलाइन, वो बताता हूँ। आप अपना क्यूआर पोर्टल में ऑनलाइन लॉगिन कर लीजिए। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। लेकिन उन लोगों के लिए मेरे पास आंसर नहीं है जिनके पास इकामा नहीं है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनके 3 महीने हो चुके हैं, 4 महीने हो चुके हैं, जिनके पास इकामा नहीं है। कई लोग मुझे पूछते हैं कि मैं कैसे अपना स्पॉन्सरशिप ट्रांसफर करूँ, मेरे पास तो अभी इकामा ही नहीं है। मुझे लगता है उनके लिए कोई मैनुअल प्रोसेस होगा, क्योंकि क्यूआ पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करने के लिए इकामा नंबर चाहिए, बिना इकामा नंबर का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अगर आपके पास इकामा नहीं है तो आप मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट, जो उनके ऑफिस है, वहां पे जाके एक बार पता कीजिए, शायद कुछ मैनुअल प्रोसेस तो जरूर होगा। ओके, जिनके पास इकामा है वो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका जो भी फॉर्मेलिटी है लॉगिन का वो कर लीजिएगा, आपको लॉगिन आईडी अपना डालिए, ओटीपी आएगा, ओटीपी आने के बाद आप अपने होम पेज में पहुंच जाएंगे। वहां पे आपके सारे इन्फॉर्मेशन होंगे कि कौन कौन से कंपनी, कौन कंपनी में आप अभी काम करते हैं, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड है नहीं है, ईमेल आईडी, वो सारे डिटेल आप चेक कर लीजिए। इसके बाद जो क्यूआर पोर्टल में जितने भी सर्विसेज होते हैं, एंड ऑफ सर्विस कैसे कैलकुलेट करता है, बाकी एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफर, ऑक्यूपेशन चेंज करने का, जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स आपके, वो सारे आप वहाँ देख सकते हैं। बहुत सारे सर्विसेज है, मोर देन 70 सर्विसेज हैं जो ऑनलाइन किए जा सकते हैं क्यूआर पोर्टल से। आज के इस वीडियो में बस मैं टर्मिनेशन वाला ही डिस्कस करूंगा आपसे, क्योंकि इससे पहले मैंने क्यूआर पोर्टल के बारे में बहुत सारे वीडियो शेयर करा है आप लोगों के साथ कि कैसे आप अपना एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफर किया कर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कंपनी के लिए, वर्कर्स के लिए, वो सारे आप देख लीजिएगा। वो सऊदी लेबर लॉ का एक प्लेलिस्ट है, उसमें तो आप यहाँ पे नीचे जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन है उस पे जाइए, उसमें जैसे ही क्लिक करेंगे फिर से आपको एक ओटीपी आएगा। अगर ओटीपी नहीं आता है तो आप एक बार ट्राई कीजिएगा, जो पहले ओटीपी आया था लॉगिन करते समय उसी से आप वही ओटीपी डाल के देखिए, कई बार वही एक्सेप्ट कर लेता है। ओके, ओटीपी आने के बाद जब आप इंटर करेंगे, सबमिट करेंगे, तो आपके पास एक और पेज होगा जिसमें आपका करंट जो कॉन्ट्रैक्ट है और एस्टेब्लिशमेंट है उसका सारा डिटेल होगा। उसमें एक स्टेटस है नीचे में, वो चेक कर लीजिएगा, वो है, वो होना चाहिए एक्टिव। अगर वो एक्टिव नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। ओके,
और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके जितने भी अब तक के कॉन्ट्रैक्ट्स रहे हैं कंपनी के साथ, जो टर्मिनेट हो गए हैं या फिर जो एक्टिव है, वो सारे होंगे उसमें। सारी डिटेल्स होंगे कि आपका कंपनी का नाम क्या है, रिक्वेस्टर नेम क्या है, जो एम्प्लॉयर है उसका, जो एम्प्लॉई है, जो वर्कर है उसका नाम क्या है, कॉन्ट्रैक्टर स्टेटस क्या है, एक्टिव है, टर्मिनेटेड है, और नोटिस पीरियड कितना है, वो सारी डिटेल लिखा होगा, एक्सपायरी डेट क्या है। ओके, तो इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना है जो आपका एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट के बाजू में राइट हैंड साइड में व्यू का एक ऑप्शन मिलेगा, उसमें क्लिक कीजिएगा। उसमें क्लिक करने के बाद में आपका कॉन्ट्रैक्ट खुल जाएगा। उसमें सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वही होंगे जो आपने एक्सेप्ट करे थे पहले जॉब ऑफर एक्सेप्ट करते समय। उसके ऊपर में आप देखेंगे एक रेड मार्क से लिखा होगा टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, उसमें क्लिक करेंगे आप, अगर आपको करना है तो उसमें क्लिक करेंगे आप। इसके बाद एक और ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, कि तीन ऑप्शन आएगा आपके पास। ओके, पहला ये ऊपर में आपको हाईलाइट किया जाएगा कि नोटिस पीरियड कितना है। मान लीजिए आपका नोटिस पीरियड अगर 90 डेज है, जो कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपने एग्री करा है तो 90 डेज आएगा, 30 डेज है तो 30 डेज, 60, जितना भी ड्यूरेशन है वो लिखा हुआ आएगा। दूसरा आपको रीजन ऑफ टर्मिनेशन पूछा जाएगा। रीजन ऑफ टर्मिनेशन अब तक जो क्यूआर पोर्टल में तीन ही है। ओके, पहला ये है कि रिजिग्नेशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना चाहते हैं, वो हो गया रिजिग्नेशन। दूसरा हो गया कि आप कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं करना चाहते हैं। ओके, वो हो गया। मान लीजिए आपका एक साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो आप दूसरा साल कंटिन्यू नहीं करना चाहते, उस केस में आप वो दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा है प्रोविजनरी पीरियड में, जो 90 या 180 डेज का प्रोविजनरी पीरियड होता है, उन दौरान अगर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाहते हैं तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये तीनों ऑप्शन में से कोई भी आप सेलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए। इसके बाद में एक और टिक करने का है, आई कंफर्म कि मैंने ये जो कॉन्ट्रैक्ट, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहा हूँ। नीचे आप सबमिट कर दीजिए, सबमिट टर्मिनेशन। ये कॉन्ट्रैक्ट जब आप टर्मिनेट कर देंगे, इसके बाद जो कंपनी है, करेंट कंपनी, उसको नोटिफाई कर दिया जाएगा, उसके पास एक नोटिफिकेशन जाएगा। इसके बाद जो आपका नोटिस पीरियड है, तब तक आप उस कंपनी के रहेंगे। इसके बाद जैसे 60 डेज पार हो जाता है या फिर 90 डेज, जो भी आपका नोटिस पीरियड है, इसके बाद आप अपना दूसरे कंपनी में ट्रांसफर ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। ये मेरा मानना है कि ऐसा ही होगा। अभी तक इसका कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं है। क्यूआ वालों को मैंने एक, जो आप क्यूआ पोर्टल में देखेंगे, एक मैसेज करने का ऑप्शन है, वहां पे मैंने उनको मैसेज करके यही सवाल पूछा है कि क्या जब नोटिस पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद जो करंट कंपनी है उसका अप्रूवल चाहिएगा ट्रांसफर करने के लिए या नहीं। जहां तक मुझे लगता है कि जो ट्रांसफर करने के लिए उनका अप्रूवल नहीं चाहिएगा जब नोटिस पीरियड खत्म हो जाएगा। नोटिस पीरियड खत्म होने के बाद ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। इससे पहले क्या होता था कि अगर आपका वर्क परमिट या फिर इकामा दोनों एक्सपायर हो गया, उस केस में करंट कंपनी का अप्रूवल नहीं चाहिए, वो ऑटोमेटिकली आप दूसरे कंपनी में ट्रांसफर हो जाते थे। लेकिन अब जब से ये ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन का ऑप्शन आया है, मुझे लगता है ये इशू सॉल्व हो जाएगा कि कंपनी वालों के पास में अप्रूवल जाएगा, वो जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक ट्रांसफर नहीं होगा। यहाँ पे बस एक चीज है कि आपका नोटिस पीरियड जो है वो खत्म होना चाहिए, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन का ऑप्शन है वो दोनों पार्टी एक्सेस कर सकता है। आपका कंपनी एम्प्लॉयर भी कर सकता है, वर्कर एम्प्लॉई भी कर सकता है, दोनों पार्टी कर सकता है, कभी भी ये ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए आपने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन सबमिट कर दिया, इसके बाद कई कंपनी ये होती है कि काउंटर ऑफर करते हैं आपको, नेगोशिएट करते हैं आपसे, इसके बाद कैसे वापस लेना है उसका कहीं प्रोसीजर डिस्कस नहीं किया गया है। ओके, इसके बाद मैंने तो अभी सबमिट नहीं करा है, नहीं तो आपको उसके बाद का प्रोसेस भी बताता। अगर कोई ऐसे लोग हैं जो सबमिट किए होंगे या फिर छोड़ने वाले होंगे, उनसे अगर बात होता है तो मैं आपको आगे का प्रोसेस भी पता करके बताऊंगा कि इसके बाद का क्या क्या प्रोसेस है और गाइडलाइन है। तो ये था नया अपडेट क्यूआ पोर्टल में, बहुत ही अच्छा अपडेट है, डिजिटल अपडेट है। अब सारा चीज डिजिटली हो रहा है। अगर आपकी कंपनी में, कंपनी वाले अगर क्यूआर पोर्टल में कॉन्ट्रैक्ट अभी तक अपलोड नहीं किए तो उनको बोलिए, वो करेंगे, क्योंकि जब तक कॉन्ट्रैक्ट अपलोड नहीं होगा बाकी के फैसिलिटीज हम लोग जो वर्कर है वो नहीं ले पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।